सो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज ना हम कुछ अलग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ये मेरे पास एक लिफाफा है, जो बोल सकते हो, जो समझ सकते हो बोलना, ये है मेरे पास। तो गैस करो कि इसके अंदर है क्या। आपको मैं एक मिनट देता हूँ, वीडियो को पॉज करके बोलना कि इसमें है क्या, जल्दी कमेंट में लिखना। तो आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर है Redmi Note 7 Pro, जो कि मैंने ऑफलाइन परचेज किया था, ऑनलाइन तो था ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि उसको फ्लिपकार्ट से बाय करूं, लेकिन जब भी मैं उसको बाय करने जाता था तब ये सेल से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता था। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसका डब्बे में है क्या, होगा क्या। तो कोई नहीं, देखते हैं इस डब्बे में है क्या और मेरी क्या ओपिनियंस है इस Redmi Note 7 Pro के बारे में। वैसे तो मैंने सुना है कि फोन बहुत अच्छा है, तो कोई नहीं, चलो देखते हैं। तो ये है बैग, फोन इसी बैग के अंदर है। तो निकालते हैं इससे फोन। तो ये रहा Redmi Note 7 Pro, जो कि मेरे पास है 4GB 64GB वेरिएंट नेपचर ब्लू। अगर आप चाहो तो आप 6GB 128GB का वेरिएंट भी ला सकते हो। तो बाकी इसका जो फ्यूचर है मैं आपको थोड़ा गैस देता हूँ। इसमें आपको मिलता है 48MP प्लस 5MP का बैक रियर कैमरा, और फ्रंट में मिलता है आपको 13MP कैमरा। साथ में एक वाटर ड्रॉप नॉच आती है। तो इसको पहले हम अनबॉक्स करते हैं यहाँ से। तो ये खाली है डब्बा, इसके अंदर है ये, मेरे ख्याल से इसमें कुछ पेपर वर्क होंगे, गाइड। तो ये रहा है, तो इसमें है एक तो यहाँ पे है सिम इजेक्टर टूल, और यहाँ पे है इसका यही मैनुअल गाइड, जो कि आजकल कोई पढ़ता ही नहीं है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पे है इसका कवर, जो कि मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, तो इसके साथ जो कवर है बहुत अच्छा है। तो बाकी यहाँ पे है इसका दूसरा डब्बा, इसके अंदर है हमारा मेन फ़ोन, जिसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये है हमारा मेन फ़ोन, जिसको ऊपर से लिखा गया है कि 48 प्लस 5MP कैमरा। तो यही है बाकी, इसको भी हम अभी साइड में रखते हैं। इसके अंदर है ये केस, जिसके ऊपर फ़ोन था, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको भी साइड में रखते हैं। और इसको इसमें आपको मिलेगा 10 वोल्ट का चार्जर अडाप्टर, जो कि आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, इसको भी अभी हम साइड में रखते हैं। और सबसे बहुत अच्छी बात कि इसमें आपको मिलती है USB 2 टाइप सी केबल, ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा इस फ़ोन में। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। बाकी बॉक्स खाली है सारा, दोनों ही बॉक्स, तो इनको हम साइड में रखते हैं। आते हैं हम अपने डिवाइस के ऊपर, जो कि है Redmi Note 7 Pro। आपको मैं इसको अंदर का व्यू नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उतना नहीं बता सकता हूं। अगर आपको रिव्यू चाहिए तो कमेंट में लिखो, इसका रिव्यू मैं दे दूंगा। मैं आपको ऐसी हिंट देता हूं, पीछे में आपको मिलेगा इसका 48 प्लस 5MP का कैमरा, साथ में जो ड्यूल कैमरा आपको मिलता है, और फ्रंट में आपको मिलता है 13MP प्लस यहाँ पर नॉइज डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वाटर ड्रॉप थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये है इसका पूरा स्क्रीन, देख सकते हो। साइड में यहाँ पे वॉल्यूम लॉक बटन दिए गए हैं, ये यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन, और यहाँ पे दिया गया है ये स्पीकर ग्रिल्स, देख सकते हो। बीच में दिया गया है चार्जर जैक, और यहाँ से दिया गया है सिम इजेक्टर स्लॉट, देख सकते हो। तो इसमें मैं पहले एक बात बोलूँगा कि इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि आप सिम को
सिम एक या मेमोरी कार्ड एक लगा सकते हो, या तो सिम दो लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं। तो यार इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी इसमें प्रोसेसर आता है हमें 6 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675, जो कि फोर्टनाइट को सपोर्ट नहीं करता है। फोर्टनाइट वालों को जल्दी बोलो कि अपडेट में कुछ ऐसा आए कि इसमें भी सपोर्ट होना चाहिए। चलो कोई नहीं, मैं तो फोर्टनाइट खेलता नहीं। अगर आप में से कोई फोर्टनाइट खेलता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी ये है पूरा फ़ोन। यहाँ पे इसका डिस्प्ले है फुल HD रेजोल्यूशन, इसकी डिस्प्ले है, इतना बड़ा डिस्प्ले है। और इसमें आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, जो कि बहुत टाइम देगी। और पीछे दिया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत क्विक है, मैंने अभी देखा। तो यार देख सकते हैं, बहुत क्विक ना, बहुत क्विक है। तो बाकी ऊपर में आपको दिए जाएंगे यहाँ पे हेडफोन जैक, और साथ में आपको मिलेगा MI रिमोट का सपोर्ट। वैसे कौन कौन MI रिमोट चलाता है नीचे कमेंट में लिखना। तो अब जो इसका मेन ट्रेंड चल रहा है वो है इसका बैक कैमरा, जो कि है 48+5 MP का कैमरा। तो यार इसकी क्वालिटी हम अभी चेक करते हैं। मैं आपको सैंपल कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे कि कैसे सैंपल है। मैंने लो लाइट में भी शूट किया है और पोर्ट्रेट शॉट में भी शूट किया है, तो आउटडोर भी मैंने शूट किया है। सैंपल आपके सामने है, आप खुद ही गेस करो कि कैसा है इसका कैमरा। और जिसको रिव्यू चाहिए यार रिव्यू भी दे दूंगा, मगर कमेंट करना। तो सैंपल आपके सामने है पूरे, गेस करो। मैं कहूँ तो इसकी जो डिटेल है, नाइट मोड भी बहुत अच्छा है और पोर्ट्रेट मोड तो सबसे अच्छा ही है, वो नहीं कि नकली ब्लर करे, नहीं। मैं कहूँगा तो पोर्ट्रेट मोड बहुत 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 अच्छा है। तो यही है पूरा फ़ोन Redmi Note 7 Pro। तो अगर आपको इसको बाय करना है, आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल होता ही नहीं है, बाकी मार्केट में ब्लैक में बेचते हैं। अब मैंने 15,000 का लाया इसलिए कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो डालूं, वो भी आपके लिए। डिमांड तो बहुत थी, यूट्यूब पे नहीं, मेरे दोस्त बोल रहे थे। तो ये था पूरा वीडियो इस फ़ोन का, कुछ रिव्यू मानो या कुछ एक ही बात है। तो ये था पूरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है तो प्लीज़ कर देना, कोई किसी का कुछ नहीं जाता है, कर देना। तो सब्सक्राइब करके जाना, और यहाँ पे फिर इंस्टा फेसबुक की ID भी आ रही होगी तो उसको भी फॉलो कर देना। तो बाकी इतना ही वीडियो है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। We'll be right back.